राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए। बीसीसीआई के द्वारा यह नियुक्ति और घोषणा की गई। तो दोस्तों, भारतीय पुरुष यानी भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की नियुक्ति हुई है, और यह जो नियुक्ति हुई वह बीसीसीआई के द्वारा किया गया और इसकी घोषणा भी बीसीसीआई ने की। राहुल द्रविड़ पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। तो राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री का स्थान लेंगे, जो इस विश्व कप यानी कि 2021 का ट्वेंटी विश्व कप के बाद में अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं, तो उन्हीं का स्थान लेंगे राहुल द्रविड़। दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने से पहले राहुल द्रविड़ इंडिया ए और अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए भी काम कर चुके हैं। तो ये भी है कि इंडिया ए टीम और अंडर 19 टीम के साथ में राहुल द्रविड़ काम कर चुके हैं। साथ ही साथ एनसीए के डायरेक्टर के रूप में भी ये अपना कार्य कर चुके हैं। तो राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बेंगलोर में है, तो उसमें भी ये डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं राहुल द्रविड़ के बारे में। तो इनका जन्म 1973 में हुआ है और इनका पूरा नाम राहुल शरद द्रविड़ है, और ये एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो इनका जन्म 1973 में हुआ है और इनका पूरा नाम है राहुल शरद द्रविड़, और ये राइट हैंड के बैट्समैन हैं। दोस्तों, राहुल द्रविड़ बतौर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट 164 खेल चुके हैं, और इसमें इन्होंने 13,288 रन बनाए, यानी कि 13,288 रन बनाए हैं, जिसमें 36 सेंचुरी भी हैं इनके नाम। तो 36 शतक, 13,288 रन और टोटल 164 टेस्ट मैच में। वहीं वनडे क्रिकेट की बात करते हैं इनका, तो ये 344 मैच खेले हैं, और जिसमें इन्होंने 10,889 रन बनाए और इसमें 12 शतक भी इन्होंने लगाए हैं। तो 344 वनडे मैचों में 10,889 रन्स और 12 शतक इनके नाम है। इनका जो है निकनेम द वाल रखा गया है, इनको कहते हैं द वाल। तो इनका जो ये निकनेम है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं बीसीसीआई का। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो यह इसका फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुआ है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ है वह 1928 में हुआ है। और अभी बात करते हैं बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। तो ये हैं सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली हैं अभी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। तो दोस्तों, अभी भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के जो हेड कोच के रूप में नियुक्ति हुई है वह राहुल द्रविड़ के रूप में हुई है। राहुल द्रविड़ अभी हेड कोच बनाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है करंट अफेयर्स से। तो हो सकता है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए।